अब 37 को हमें ब्रेक करना है, तो माइनस आई इंटू आई स्क्वायर होल टू द पावर 18, 2 into 18 36, 36 और प्लस 1 करेंगे तो प्लस 1 क्या हो जाएगा, 37 होगा। यहाँ हमने माइनस आई लिखा है और यहाँ आई स्क्वायर लिखा है क्योंकि यहाँ पे माइनस आई है, इसलिए एक बार माइनस आई को बाहर कर देंगे और एक बार प्लस मतलब आई स्क्वायर होल टू द पावर 18 ऐसा लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यही वैल्यू मिलेगी। समझ आ रहा है कि फिर से एक्सप्लेन करना है कुछ? पलक समझ में आ क्लियर गया आ गया? चलो ठीक है, देखते हैं। अब इसके मैम। बाद आई टू दी पावर 2 की वैल्यू क्या होती है, -1 पुट कर देंगे और ये पहले से माइनस आई है तो माइनस आई इंटू -1 टू दी पावर 18, -1 का 18 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 ही वैल्यू मिलेगी और 1 इंटू माइनस आई कितना हो जाएगा, माइनस आई। ये हो गया आंसर। ऐसे ही बाकी के सारे क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे, ठीक है। अब देखिए इसी का इसी मैम क्वेश्चन पर 1। हाँ पूछो, क्या पूछ रही हो पलक? नहीं नहीं कुछ पूछ रही हूँ, समझ आ गया, बोल रही हूँ। अच्छा ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, आई टू दी पावर 3 प्लस आई टू दी पावर 2 प्लस आई प्लस 2, ये हमारा क्वेश्चन है। सिंपल हम क्या करेंगे, हमारे पास आई टू दी पावर 3 की भी वैल्यू हमें पता है, आई टू दी पावर 2 की भी वैल्यू पता है, आई की वैल्यू तो आई ही होगी। तो अब देखो जो गिवन है वो हम लिख लेंगे। आई टू दी पावर 3 की वैल्यू होती है माइनस आई, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो हम इन दोनों ही वैल्यूज को यहाँ पुट कर देंगे। आई क्यूब की वैल्यू माइनस आई, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस आई प्लस 2, तो माइनस आई और प्लस आई कैंसल हो गया, यहाँ पे -1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, +1, ये हो गया आंसर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स, हमें क्या करना है, दिए गए नंबर्स के कॉन्जुगेट नंबर्स के हमें क्या फाइंड करने हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना है। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो फोर्थ क्वेश्चन है उसको मैं बता दे रही हूँ, फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन इजी इजी है। फिफ्थ वाला क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 11 की जैसे एज इट इज है। यहाँ पे देखो करना क्या है, हमें फाइंड क्या करना है, कॉन्जुगेट फाइंड करने हैं। वी नो दैट द कॉन्जुगेट ऑफ ए प्लस आई बी इज ए माइनस आई बी, मतलब ए प्लस आई बी का जो कॉन्जुगेट होता है वो ए माइनस आई बी होता है। जब आप डेफिनेशंस पढ़ेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा ए प्लस आई बी का कॉन्जुगेट ए माइनस आई बी होता है। तो कॉन्जुगेट ऑफ -2 + 5π, -2 + 5π का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे किसके सामने की वैल्यू साइन चेंज हो रहा है, बी के सामने का, तो बी के सामने का कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस। क्वेश्चन है वहां पे आपको वैल्यू 0 दी हुई है, ठीक है। तो अगर इसे कॉन्जुगेट में ट्रांसफर करना होगा, मतलब ट्रांसलेट करना होगा, तो हम क्या करेंगे, ए प्लस आई बी का फॉर्म होता है लेकिन यहाँ पे तो 0 दिया हुआ है, मतलब आपको जो वैल्यू है वो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इसको तो चेंज ही नहीं कर सकते हैं हम। सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ओनली 1 दिया है, ठीक है, तो 1 को हम कॉन्जुगेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फॉर्मूला क्या है, ए प्लस आई बी इक्वल टू ए माइनस आई बी, ठीक। हमारे पास किसकी वैल्यू गिवन है, सिर्फ ए की गिवन है तो इसका भी आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड आई गिवन है, ठीक है, आई गिवन है
तो अगर हमें इसे कॉन्जुगेट में मतलब बदलना होगा कॉन्जुगेट में, तो हम क्या करेंगे? ये आई है, आई किसके साथ है? बी के साथ है, बी के सामने वाला साइन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, माइनस बी में कन्वर्ट हो रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा? माइनस आई। समझ आया या किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है? मैम आगे तीनों ही क्वेश्चन, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव हमने क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ टू एक्स प्लस ऑफ 3x plus y into i is equal to 4 plus 10i। अगर हमारे पास ये क्वेश्चन है तब हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। गिवन दैट जो हमें दिया हुआ है हम उसे एज इट इज लिख लेंगे। अब हमारे पास जो वैल्यू दोनों साइड में वैल्यू हमें गिवन है उससे हम क्या करेंगे, रियल नंबर कंपेयर करेंगे, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर से। यहाँ पे रियल नंबर किसे बोलते हैं, ए जो होता है वो रियल नंबर होता है, आई भी जो होता है वो इमेजिनरी होता है। तो इमेजिनरी वाले पार्ट को इमेजिनरी वाले पार्ट के साथ और रियल वाले पार्ट को रियल वाले पार्ट के साथ, मतलब 2x is equal to 4, तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, 4/2, दैट मीन्स 2 वैल्यू मिल गई। इमेजिनरी वाले पार्ट को करते हैं कंपेयर, तो i into 3x plus y is equal to 10i, i से i कैंसिल, क्या बचेगा, 3x plus y is equal to 10। x की वैल्यू अभी हमने फाइंड की कितनी है, 2, तो 2 into 3 plus y is equal to 10, 2 into 3 क्या होता है 6, तो y equal to 10 minus 6, y की वैल्यू कितनी मिल गई 4। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था, x और y की वैल्यू, we find that, clear? क्वेश्चन नंबर 3 और 4, हाँ कोई कुछ पूछ रहे हैं मैम, राइट द फॉलोइंग ऑर्डर्ड पेयर इनटू ए प्लस आई बी फॉर्म। हमें क्या करना है, इसे ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे हमें ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है लेकिन हमें ए प्लस आई बी मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है? तो इस a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वैल्यू ऑफ a 2 है, वैल्यू ऑफ b माइनस 3 है, तो 2 प्लस माइनस 3i, यही हमें आंसर मिल जाएगा। सिंपली वैल्यू पुट करना है। क्लियर? सिर्फ इस वैल्यू में हमें पुट करना है, ए प्लस आई बी के फॉर्म में। ए की भी वैल्यू गिवन है, बी की भी वैल्यू गिवन है, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू ऑर्डर्ड पेयर। अब ये हमें ए प्लस बी आई बी के फॉर्म में दे दिया, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में दे दिया है, इसे हमें क्या करना है, ऑर्डर्ड पेयर मतलब इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हो जाएगा? कल ही बताई हूँ ऑर्डर्ड पेयर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हाँ बन जाएगा, थोड़ा लाउडली बोला करो पलक। मैं बोल रही हूँ बन जाएगा, कल आप एग्जांपल समझाए थे। हाँ हाँ ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जो 5 हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर। इसके बाद 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 की प्रूव दैट क्वेश्चन है, रूट ऑफ माइनस आई इक्वल टू 1 माइनस आई डिवाइडेड बाय रूट 2। यहाँ पे आप न्यूमिनेटर का क्या कर देंगी, रैशनलाइजेशन कर देंगी, राइट हैंड साइड के न्यूमिनेटर का रैशनलाइजेशन करेंगे और रैशनलाइजेशन करके उसको सॉल्व करेंगी तो हमारे पास ये वैल्यू मिल जाएगी। समझ आया, बन जाएगा सॉल्व लाइक एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 के जैसे ये बनेगा। सारे के सारे क्वेश्चंस को तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इसीलिए कुछ कुछ क्वेश्चंस छोड़ छोड़ के बताऊंगी, ठीक है? मैंने पहले भी क्लियर किया हुआ है आपको, ये 10th या 9th क्लास नहीं है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ। हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने हैं, ठीक है? सो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इसका, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3 प्लस 4i डिवाइडेड बाय 4 माइनस 5i। गिवन जो है 3 प्लस 4i डिवाइडेड बाय 4 माइनस 5i इक्वल टू
डिनोमिनेटर की वैल्यू का हम रैशनलाइजेशन कर देंगे तो 3 प्लस 4 आई डिवाइडेड बाय 4 माइनस 5 आई इंटू 4 प्लस 5 आई डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5 आई। कल मैंने आपको बताया था बेटा इनवर्स क्या होता है, कल या परसों के क्लास में बताया हुआ है। डेफिनेशन बताई थी एडिटिव इनवर्स करके, यस मैम, जहाँ पे जेड वन जेड टू जो रहता है वो जेड वन का क्या रहता है, इनवर्स रहता है। हाँ तो हमें भी इसका इनवर्स फाइंड करना है। देखिए आगे क्वेश्चन समझ लेंगे तो समझ आ जाएगा। अब देखिए 3 प्लस 4 आई इंटू 4 प्लस 5 आई डिवाइडेड बाय, ये है a माइनस बी और ये है a प्लस बी के फॉर्म में, तो a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे कहाँ पे, डिनोमिनेटर में। तो 4 का स्क्वायर माइनस वैल्यू ऑफ बी 5 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करिए, 3 4 जा 12 प्लस 4 4 जा 16 आई, फिर 5 5 इंटू 3 15 आई, फिर 4 5 जा 20 आई स्क्वायर, आई इंटू आई आई स्क्वायर हो गया, और डिनोमिनेटर में 4 4 जा 16। अब देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ प्लस हो गया, कैसे, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस वन, आई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है माइनस वन, तो आई स्क्वायर की वैल्यू हम क्या करेंगे यहाँ पुट करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 25 और 16 ऐड होके कितना हो जाएगा 41, यहाँ पे हमें क्या मिल गया 12, 16 आई और 15 आई को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 31 आई, 20 आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, तो प्लस माइनस 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 20 प्लस 12 माइनस 20 कितना हो जाएगा माइनस 8, माइनस 8 प्लस 31 आई डिवाइडेड बाय 41, ये वैल्यू मिली। अब इस वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हम उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, माइनस 8 प्लस 31 आई डिवाइडेड बाय 41, ये हमारे पास वैल्यू मिली। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। क्वेश्चन में आपको बोला है लेट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए प्लस आई बी, हम मान रहे हैं कि ए प्लस आई बी जो है वो क्या है, हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो हमारे पास जो वैल्यू मिली है माइनस 8 प्लस 31 आई डिवाइडेड बाय 41 इंटू ए प्लस आई बी इज इक्वल टू 1 प्लस 0 इंटू आई। इस फॉर्म में हम लिखते हैं, ये फॉर्म होता है लिखने का इस वैल्यूज को, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए ए का मल्टीप्लाई इस पूरे ही ब्रैकेट से होगा, फिर बी का भी मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से होगा, तो अगर एक एक बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 1/41 को हम कॉमन कर देंगे। सिर्फ सबसे पहले ए और बी का मल्टीप्लाई करते हैं, देखो समझ आएगा कि नहीं पता नहीं है, पेजेस होगा तो मैं बता रही हूँ किस तरह किए हैं, वेट कर रहा हूँ। यस मैम, यहाँ पे अगर हम a का मल्टीप्लाई करते हैं इससे तो हमारे पास क्या मिलेगा, माइनस 8 अपॉन 41 a, फिर a का मल्टीप्लाई प्लस 31 i अपॉन 41 इंटू a, फिर ib का मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 8 अपॉन 41 ib, और फिर ib का मल्टीप्लाई 31 से करते हैं तो प्लस 31 डिवाइडेड बाय 41 b इंटू आई स्क्वायर, ये i इंटू आई क्या हो जाएगा आई स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया? यस मैम। अब देखो यहाँ पे हमारे पास a और a वाली वैल्यू कौन सी है, नहीं a और a वाली वैल्यू नहीं, मतलब रियल वैल्यूज कौन कौन सी हैं, एक ये है और ये भी हो जाएगा, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, माइनस 8 अपॉन 41 ए
प्लस 31 अपॉन 41 ए आई माइनस 8 अपॉन 41 बी आई, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस वन, माइनस वन का मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू से तो ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी 31 अपॉन 41 बी। अब हमारे पास रियल वैल्यूज ये दोनों हैं तो इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, माइनस 8 अपॉन 41 ए माइनस 31 अपॉन 41 बी, और ये दोनों वैल्यूज एक साथ कर लेते हैं, प्लस 31 अपॉन 41 ए माइनस 8 अपॉन 41 बी, और यहाँ से बाहर क्या जाएगा आई। अब इन दोनों में ही क्या कॉमन है, 1 अपॉन 41, 1 अपॉन 41 को हम कॉमन कर लेते हैं, तो 1 अपॉन 41 जब हम कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से देखते हैं माइनस 8 माइनस 8 माइनस 31 माइनस 8 ए माइनस 31 बी, फिर प्लस यहां से 1 अपॉन 41 इंटू आई कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा 31 ए माइनस 8 बी। समझ आया? यस। कैसे कैसे आया? चले समझ आया? यस मैम। तो सिर्फ हमने क्या किया है, कॉमन किया वैल्यूज को, वैल्यूज को कॉमन करने के बाद अब हम क्या करेंगे, दोनों ही पार्ट में हमारे पास क्या है, रियल वैल्यू भी है इमेजिनरी वैल्यू भी है, तो हम इससे इसके साथ क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, तो रियल वैल्यू के साथ इक्वल में क्या मिलेगा वन मिलेगा, तो 1 अपॉन 41 माइनस 8 ए माइनस 31 बी इज इक्वल टू 1। ठीक, अब इमेजिनरी पार्ट को पहले इसको सॉल्व करते हैं, 41 का मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा तो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू मिलेगी माइनस 8 ए, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी माइनस 8 ए माइनस 31 बी इज इक्वल टू 41, यही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे माइनस है, दोनों में माइनस है, तो हम क्या करेंगे इस पूरे ही इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये प्लस 8 ए प्लस 31 बी इज इक्वल टू, ये प्लस था तो माइनस 41 हो गया, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब इमेजिनरी पार्ट को कन्वर्ट करते हैं, सॉरी कंपेयर करते हैं, तो 1 अपॉन 41 31 ए माइनस 8 बी इज इक्वल टू 0, क्योंकि अगर हम आई और आई लिखेंगे तो आई और आई ऑटोमेटिक हट जाएगा बिकॉज इमेजिनरी पार्ट को हम कंपेयर कर रहे हैं, तो अब 0 से 41 का मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या है 31 ए माइनस 8 बी इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब देखो हम यहाँ से इक्वेशन 2 से ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो 31 ए इक्वल टू 8 बी, ए इक्वल टू 8 बी अपॉन 31 मिल गया, इक्वेशन 3 हो गया। अब ए की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1, पुट करते हैं तो 8 इंटू 8 बी अपॉन 31 प्लस 31 बी इक्वल टू माइनस 41, मल्टीप्लाई करेंगे 8 8 जा 64 डिवाइडेड बाय 31, फिर प्लस 31 यहाँ भी है और यहाँ भी है तो हम कॉमन कर लेंगे इज इक्वल टू माइनस 41, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो इसके अपॉन में कुछ नहीं है मतलब 131 और 1 का एलसीएम 31, ठीक है, मतलब इसके बाद का जो स्टेप होगा वो क्या होगा 64 प्लस 31 इंटू 31 961 और डिवाइडेड बाय 31 इज इक्वल टू माइनस 41। नेक्स्ट स्टेप में ये जो 31 है इसका मल्टीप्लाई माइनस 41 से हो जाएगा, तो माइनस 41 इंटू 31 करेंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो 64 प्लस 961 कितना होता है 1025। तो हम लिखेंगे 1025 बी इज इक्वल टू माइनस 41 इंटू 31, हमें बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो 1025 अपॉन में आ जाएगा, अब इसे 41 के टेबल से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास वैल्यू मिलेगी 25, 41 के टेबल से आप कैंसिल करके देख लेना हमें यही वैल्यू मिलेगी। ठीक है? Yes, ma'am. नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास बी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 31 अपॉन 25, अब इस बी की वैल्यू को
अभी हमारे पास जो ए की वैल्यू मिली है वो क्लियर क्लियर वैल्यू नहीं मिली है, इसके साथ मल्टीप्लाई में बी है, तो हम क्या करेंगे, जो बी की वैल्यू मिली है उस इक्वेशन थ्री में पुट करेंगे। तो लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ बी इन इक्वेशन थ्री, ए इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है, अभी हमने फाइंड की -31/25, और हमारे पास जो वैल्यू थी 8/31, 31 से 31 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे -1 × 8 -8/25। तो हमारे पास जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो कुछ इस फॉर्म में आएंगे, a प्लस आई बी इक्वल टू -8/25 -31/25 i, दोनों में अपॉन में 25 है तो -1/25 कॉमन कर लेंगे, 8+31 i, ये हो गया आंसर। समझ आया? यस मैम। कोई डाउट है? नो। क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व किया हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7th का थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है? आंसर चेक करोगे, देखो 7th का आंसर -1/25 × 8+31 i, इतना काफी है आज के लिए कि आगे कभी बताऊं? नहीं मैम, काफी है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड क्वेश्चन मैं बता दी, कल क्वेश्चन नंबर 8 बताऊंगी सिंप्लीफाई करके जो है, ठीक है? यस मैम। और किसी क्वेश्चन में डाउट है? यस मैम। एक्सप्लेनेशन में इसमें no, ma'am. कहीं किसी स्टेप में समझ ना आया हो तो पूछ लो, अभी क्लियर कर दूंगी। चैप्टर कौन सा? यही चैप्टर 2B.1 जो पढ़ा रही हूँ अभी। अच्छा ठीक है, अभी नहीं, तुम्हारा डाउट मैं बताऊंगी, टेंशन मत लो। हाँ, अभी थोड़ा सा हॉटस्पॉट चल रहा है ना, तो इस वजह से। ओके, यही क्लास ओवर करते हैं, ठीक? हैव अ गुड डे। हाँ, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।